हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो हम लोग ये जो मेडिसिन की बॉटल है उसको पोस्टर कलर से कैसे कलर करेंगे वो एक डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा ड्राइंग इस वक्त कंप्लीट है। अगर आपको ड्राइंग का रेफरेंस चाहिए तो मेरा जो पिछला वीडियो था ऑयल पेस्टल वाला, उसमें मैंने ड्राइंग के साथ साथ वो वीडियो बनाया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रेडी है। तो हम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं बनाने की, आपको पता ही है ये वो बॉटल है। तो सबसे पहले हम कैप से शुरू करेंगे। तो कैप जो है वो थोड़ा सा गोल्डन कलर का है, इसलिए मैं जो कलर बना रहा हूँ वो है येलो ऑकर सबसे पहले लूँगा। उसके अंदर थोड़ा सा वाइट कलर मिलाऊँगा और थोड़ा सा लेमन येलो। ये तीन कलर्स मिलेंगे, वाइट, येलो ऑकर और लेमन येलो। तो ये आप देख सकते हैं हल्का सा बेस कलर है। तो पहले मैं ये बेस कलर पूरे में लगा रहा हूँ। ओके, तो हमेशा पहले हम बेस कलर ही लगाते हैं कभी भी कोई पेंटिंग करते हैं, तो उसके ऊपर फिर लेयर बाय लेयर आप दूसरे कलर चढ़ाते जाओगे। सेम कलर थोड़ा सा डल होके जो ये स्ट्राइप है यहाँ पे बेल्ट सा है इसके अंदर भी दिख रहा है, तो इसे हमें डल करना है। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर ब्राउन मिलाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये कलर थोड़ा सा डल होगा। तो हम यहाँ पे भी वो कलर देना चाहेंगे तो हमें थोड़ा सा उसको डल करना पड़ेगा। तो ये यहाँ का बेस कलर हो गया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, हम ये वाला कलर करेंगे। जब तक ये सूख जाएंगे हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हमें ये वाला कलर करना है बॉडी का। तो वो जो कलर है वो है रेड और थोड़ा सा ब्राउन मिक्स्ड है। तो रेड और ब्राउन मिक्स करके हम पहले बॉडी का कलर बनाएंगे। और ये स्टार्ट होता है कलर यहाँ से, कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो हमें थोड़ा सा छोटा ब्रश भी लेना पड़ेगा। तो ये छोटा ब्रश लेके मैं पहले यहाँ एक बेसिक कलर दे रहा हूँ। इसके अंदर भी वेरिएशंस होंगे कलर के, टोन्स के, वो धीरे धीरे हम कर सकते हैं। तो ये आप देखिए थोड़ा फाइन काम है, छोटी स्पेस है, इसलिए मैंने छोटा ब्रश यूज़ किया। अब मैं जो मोटा ब्रश है फ्लैट ब्रश, उससे इसको पहले एक टोन दे रहा हूँ। ये मेरा टोन रेड, वर्मिलियन रेड कलर और ब्राउन से बना है। ओके, अब जब तक ये सूख जाएगा हम यहाँ पे काम कर लेते हैं दोबारा। फाइन ब्रश ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बॉटल के ढक्कन पे जो काम करना है वो थोड़ा सा फाइन ब्रश से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं दोबारा येलो ऑकर कलर ले रहा हूँ फ्रेश। अब हमें थोड़ा सा डार्क टोन बनाना है, तो डार्क टोन बनाने के लिए थोड़ा सा ब्राउन मैं इसके अंदर मिला रहा हूँ। ये कलर थोड़ा सा सूखा हुआ बनाना आपको, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक कलर, ब्लैक हल्का सा, उसको डल करने के लिए। देखिए ये वो टोन है जो मुझे चाहिए। तो ये कलर पे पहले यहाँ पे लगा रहा हूँ इस तरीके से, और इसकी शेडो यहाँ से भी आ रही है, तो बोथ साइड्स, फिर वो यहाँ पे भी मुझे दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है,
देखो ऑलमोस्ट ड्राई ब्रश है, इसलिए आप देखिए सूखे स्ट्रोक्स चल रहे हैं थोड़े। ये हल्का सा यहाँ पे भी शेडो है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो ये कलर है इसी में थोड़ा सा लाइट कलर मिलाएंगे जो पहले हमने फ्रेश बनाया था, क्योंकि अब ये मैंने थोड़ा सा मिडिल टोन डार्क टोन की तरफ लेके गया। अब मुझे इसी का लाइट टोन चाहिए जो लगाया उससे भी लाइट, तो मैं इसी के साथ उसकी ब्लेंडिंग करते हुए यहाँ पे वो कलर लगा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो नीचे का हमारा बेस टोन था उससे ये हल्का सा लाइटर साइड पे है। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैक ज़्यादा मिला के, थोड़ा सा ये वाला ब्राउन भी मिला के, हल्का सा इसका एक डीप टोन बनाएंगे जो मैं बहुत कम यूज़ करूँगा। ये देखिए थोड़ा सा साइड साइड में ही मैं यूज़ करूँगा उसको। ये हल्की सी जो ये लाइन दिख रही है उसके अंदर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो ग्रूव्स है इनके ऊपर हल्का सा मैं वो दे दूँगा। अब ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैंने थोड़ा सा येलो ऑकर मिलाया दोबारा और हल्का एक और टोन इसके ऊपर, क्योंकि ये लग रहा था मुझे थोड़ा ज़्यादा डार्क ना दिखे, इसलिए हल्का इसके ऊपर एक मिडिल टोन दे दिया। ऑलमोस्ट डन है। अब इसके अंदर जहाँ पे ये बॉटल का ढक्कन हमेशा कटता है, आपको पता है कि एक छोटा सा वो जो है रिंग बॉटल के अंदर ही रहता है हमेशा, वो निकलता नहीं है, वो सील होती है बेसिकली, वो ये वाला है। तो उसको अलग करने के लिए मैं अभी थोड़ा सा ब्लैक कलर ले रहा हूँ और इसमें मैं ये जो टूटा हुआ है अलग हो गया बॉटल के ऊपर के कैप से, वो इससे मैं दे रहा हूँ। दैट्स इट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम ये भी सूख रहा है, इसको हम करेंगे बाद में, पहले हम ये बेस कलर दे देते हैं। तो इस बेस कलर को अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे कलर दिख रहा है उससे ये डार्क है, क्योंकि ये रैपर है, पेपर का रैपर है जिसके ऊपर वो दवाई स्पिल हुई है, गिरी हुई है बाहर से लीक होके, इसलिए वो थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ब्राउन के अंदर ब्लैक और रेड ये कलर बना के, आप देखिए ये पहले का कलर था, ये मेरा अभी का कलर है, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा दूसरा रेड है, पोस्टर रेड है, ये कलर डाल के एक डीप टोन मैंने बना दिया जो मुझे वहाँ पे नज़र आ रहा है। और अब मैं वो टोन यहाँ पे दे रहा हूँ। ये पूरा एरिया है जिसमें ये कलर काफ़ी डोमिनेटिंग तरीके से दिख रहा है। ये अब मैं थोड़ा छोटा ब्रश लेके इसी कलर को लगा के फिनिशिंग कर रहा हूँ। आप अगर अपने बोर्ड को या शीट को घुमाओगे कलर करते वक्त तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ आपको एक एंगल मिलेगा जिस एंगल में आपका हाथ कंफर्टेबली
घूमेगा, ये बोर्ड आप घुमा सकते हैं इस तरीके से जब फीलिंग करते हो तो। ये नीचे का पोर्शन, दिस इज ऑलमोस्ट डन। थोड़ा बहुत यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा ये रेड कलर लेना है, क्योंकि बीच में काफ़ी रेड कलर जो है दिख रहा है। ये एक्चुअली ओरिजिनल कलर है इसके लेबल का, बिकॉज़ वहाँ पे दवाई लीक हो गई है तो ये इस तरीके से डार्क हो गया। तो ये ओरिजिनल कलर है पोस्टर रेड, तो ये आप यहाँ पे करोगे। यहाँ पे एक छोटा डिज़ाइन है इसलिए कलर मैं छोड़ रहा हूँ। ये भी एक डिज़ाइन, ये लोगो है कंपनी का। तो ये मेरा इतना कलर करके हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे चलेंगे इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा डार्क कलर जो है वो यहाँ पे है। तो मतलब इस कलर में भी आपको थोड़ा ब्लैक का कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो मैं थोड़ा सा ब्लैक बढ़ा रहा हूँ इसके अंदर। ये मैं ब्लैक कलर ले लिया थोड़ा, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके नीचे लगाऊंगा, जो सबसे नीचे का एरिया है ये एरिया। दिस इज डन। अब आप देख सकते हैं इस कलर और इस कलर में हल्का सा फ़र्क है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें, अब यहाँ पे हम काम करेंगे ऑब्वियसली, तो जहाँ जहाँ डार्कर टोन्स है वहाँ वहाँ हमें डार्कर टोन्स लगाते जाना है। टू बिगिन विथ मैं सबसे पहले यही जो बेस कलर था उसी के अंदर हल्का सा इन्हीं कलर्स को मिक्स करके थोड़ा सा एक पिच डार्कर किया, थोड़ा सा ब्रश को सुखा दिया। और जहाँ जहाँ मुझे वो डार्क कलर नज़र आ रहे हैं, जैसे ये पूरा एरिया मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डार्क है, और यहाँ पे ऐसी एक लाइन जैसी दिख रही है मुझे, तो मैं उसका स्ट्रोक लगा रहा हूँ। ये उसके बाद ऐसे ही कुछ टोन्स मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे भी वो लगा रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पीछे की लाइट आ रही है, तो ये थोड़ा लाइट लग रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, हल्का सा वाइट कलर मिलाऊँगा। ये देखिए हल्का सा वाइट कलर इसके अंदर मैं मिला रहा हूँ, क्योंकि पीछे जो कपड़ा है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मैं वो थोड़ा सा यहाँ पे बना रहा हूँ। सेम रिफ्लेक्शन इस साइड में भी मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप उसको लगा दीजिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये ओके। अब हम थोड़ा सा बीच में यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, जो बेस कलर है हमारा उस पर मैं थोड़ा सा रेड कलर ले रहा हूँ, इसी ब्राउन के अंदर जो पहले हमने बनाया था, थोड़ा रेड कलर ले रहा हूँ मैं।
और थोड़ा ड्राई ब्रश से उसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो अब देखिए लेयर बाय लेयर अलग अलग कलर आते जाएंगे तो आपका ये जो बॉटल का ऊपर का पोर्शन है रियलिस्टिक लगने लगेगा। यहाँ तक हो गया। अब मुझे जो ये रैपर है ये पीछे घूम के वापस आ रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है बॉटल, यहाँ तक दवाई उसके अंदर है नहीं तो मुझे वो दिख रहा है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ थोड़ा सा वो रिफ्लेक्शन ये जो है पीछे से जो जा रहा है ये यहाँ तक मैं इसको मार्क कर रहा हूँ थोड़ा डार्कर टोन से। सेम चीज़ हल्का सा गैप है और इस तरीके से वो घूमा है रैपर, तो उस रैपर को इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। थोड़ा सा उसको फिनिश करने के लिए फाइन ब्रश लेके फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी होती है। देखो ओके तो ये हो गया। अब थोड़े से इसके अंदर हाइलाइट्स देने हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत डिटेल में हम काम नहीं करेंगे। अब हम इस पे आएंगे जो स्ट्रिप है इसके ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी लाइट एंड शेड तो पड़ेगी बिकॉज गोल वस्तु है, तो गोल वस्तु पे जैसे जैसे शेप चेंज होगा वैसे वैसे उसके थोड़े से डार्कर टोन्स और लाइटर टोन्स बनेंगे। तो ये मैं उसी में थोड़ा सा डार्क टोन मिला रहा हूँ। पुराने ही कलर्स है, थोड़ा सूखा ब्रश है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट में कर रहा हूँ, यहाँ से हल्का सा डार्कर टोन है हल्का। सिमिलरली वो यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। तो हल्के हाथ से ये आपने टोन दे के इसको छोड़ देना है। अब क्योंकि ये रैपर है ये हाईलाइट आएगी यहाँ पे, बिकॉज ये मेटल है ये रैपर है, इस पर हाईलाइट नहीं आएगी इसलिए इसको ऐसे छोड़ना है। थोड़ा सा मैं ये जो स्ट्रोक मैंने लगाया है मुझे थोड़ा सा शार्प ख़त्म होता है ऐसे नज़र आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा पुराना कलर लेके थोड़ा सा हल्का सा उसको टोन डाउन कर रहा हूँ। ये देखो थोड़ा सा मर्ज कर रहा हूँ। ओके अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये जो रेड एरिया है इसमें थोड़ा सा दोबारा एक लेयर, क्योंकि हमने अभी एक ही लेयर इसके अंदर की है, तो मैं दोबारा फ्रेश लेयर लगा रहा हूँ रेड की, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा वाइट कलर मिला रहा हूँ हल्का सा वाइट कलर। ये देखिए क्योंकि इसके भी थोड़ी सी लाइट पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पे टोन्स बनेंगे, डार्कर टोन्स, मिडल टोन्स, तो वही टोन्स दिखाने के लिए मैं थोड़ा वाइट कलर मिला के इसको इस तरीके से रेंडर कर रहा हूँ। ओके अब हमें इसको डार्क टोन और लाइट टोन कहीं पे दिख रहे तो देखने हैं, तो मैं इसी रेड के अंदर क्योंकि हमने बहुत डार्क बनाया है तो मैं थोड़ा सा इसी को लाइट बनाने के लिए इसी रेड के अंदर वो कलर हल्का सा मिला के उसको थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। कि देखिए ये हमारा ओरिजिनल कलर है जो हमने यहाँ लगाया, तो ये कलर आप देख सकते थोड़ा फ़र्क आ गया। तो जहाँ जहाँ मुझे ये दिख रहा है कि इसके अंदर थोड़े से लाइट पड़ने के बाद चेंजेस आए हैं वो एरिया आप थोड़ा सा स्ट्रोक से रेंडर कर सकते हो। इनफ। ओके अब यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइट एंड शेड आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि यही कलर उस कलर में मिला के, इसी रेड को उस कलर में मिला के आप देख सकते हैं कि पुराने कलर जो हम बनाते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, तो इसी कलर को हम थोड़ा सा सेंटर से इस तरीके से और सेंटर से थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रोक लगा के, मतलब यहाँ से आपका स्ट्रोक जाएगा थोड़ा सा इस तरफ, ये हम कर सकते हैं ठीक है। और थोड़ा सा फिनिशिंग करना है तो ब्लैक कलर दोबारा से
ये ठीक है, ऑलमोस्ट डन है। अब केवल ये एक एरिया है जहाँ पे मुझे और बहुत ज़्यादा डार्क टोन नज़र आ रहा है। जो हमने लगाया था वो काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं जो नीचे वाला कलर है उसी को कर रहा हूँ, बिकॉज़ उतना ही डार्क मुझे यहाँ लग रहा है। ये हल्का सा ये ब्लेंड हुआ है इस एरिया के साथ, तो इसको हल्के हल्के स्ट्रोक्स में आप इस तरीके से ब्लेंड करिए और इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स कैसे करेंगे, आप ड्राई ब्रश लेंगे पानी से साफ़ किया हुआ, और इन दोनों कलर्स को जहाँ जहाँ वो मिल रहे हैं वहाँ वहाँ उस ब्रश को चलाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये कलर्स अपने आप मिक्स हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट डन है। हम थोड़ा सा अब ये वाले डिटेलिंग करते हैं। जैसे इस डिटेलिंग में मुझे थोड़ा सा रेड कलर जो लोगो है कंपनी का वो थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन वो भी बहुत डल है। तो डल है तो ऑब्वियसली मैं इस रेड को थोड़ा सा डल तरीके से लेके रेंडर किया, थोड़ा सा यहाँ पे भी ये रेड कलर है, ये एक उनका छोटा सा कुछ यहाँ डिज़ाइन बना हुआ है उसके अंदर भी रेड कलर में देख रहा हूँ। ये जो सर्कल है इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर मुझे दिख रहा है, तो मैं येलो कलर को थोड़ा सा ऑकर के साथ मिला के डल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं कर रहा हूँ कलर को। ये इस तरीके से है, और ये कलर एक्चुअली नीचे भी गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्राउन और येलो ऑकर ये थोड़े डल कलर बना रहा हूँ इसी के, जो ये नीचे गया ना ये कंटिन्यू हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा डल कलर में इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। है तो वो येलो ही लेकिन डल है, गीला हो गया है रैपर थोड़ा सा दवाई की वजह से, तो हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे, कलर चेंज हो गया। देखिए अब ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया है, थोड़ा सा अब मुझे डिटेलिंग करनी है। तो डिटेलिंग में यहाँ पे जो लिखा हुआ है कुछ तो वो मैं करूँगा, लेकिन उसको भी मैं वाइट कलर को आप देख सकते हैं रेड में मिक्स कर रहा हूँ, कलर डल हो गया, और डल कलर से मैं यहाँ पे वो नाम लिख रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है, ये वो नाम है। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है तो वो भी ऐसे दिखेगा, आपको एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सजेस्टिव राइटिंग करनी है, डिटेलिंग नहीं करनी है। तो ये मैं वाइट कलर ले रहा हूँ अभी, जो मेन उसका नाम है उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा इसमें कलर मिक्स किया है, और ये देखिए सजेस्टिव राइटिंग करनी है आपको। मेन हमारा बॉटल है जो हम करना चाह रहे हैं, इसलिए आप उसको बहुत फिनिश करने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे लिख दिया, ऐसे कुछ डिटेलिंग कर दी, ये हो गया। अब हमें हाइलाइट्स जो है वो देनी है। हाइलाइट्स अब कहाँ कहाँ पे आ रही है, जो मैं बॉटल देख पा रहा हूँ उसमें मुझे सबसे बड़ी हाइलाइट तो इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके बाद हल्का सा डॉट यहाँ पे नज़र आ रहा है, हल्की सी हाइलाइट यहाँ पे भी नज़र आ रही है, थोड़ी डल हाइलाइट थोड़ी सी, थोड़ा सा कलर मिक्स किया मैंने, एक डल हाइलाइट यहाँ पे भी नज़र आ रही है, और उससे भी डल हाइलाइट्स के कुछ लाइंस है जिसको मैं ब्राउन में मिला के देखे कलर को और डल किया, और वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे दिख रहे हैं वहाँ पर मैं वो दे रहा हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइड में लाइट आ रही है। तो दिस इज़ इट, ऑलमोस्ट ये बॉटल का हाइलाइट हो गया है। अब हम ढक्कन पे जाते हैं, जो कैप है इसका, कैप के ऊपर थोड़ा सा हाइलाइट है यहाँ पे, थोड़ा सा हाइलाइट यहाँ पे है, हल्का हाइलाइट एक दो ग्रोव्स में दिख रहा है,
इस पे भी हाईलाइट है और यहाँ पे भी हाईलाइट है, तो ऑलमोस्ट डन है। अब हमें बैकग्राउंड करना है, तो बैकग्राउंड करने के लिए हम थोड़ा सा जो कलर लेंगे वो वाइट कलर है, खूब सारा वाइट चाहिए होगा, और येलो होगा। पहले इन दो कलर्स को हम मिलाएंगे, ये मैं वाइट कलर ले रहा हूँ, और क्योंकि पहले नीचे का पोर्शन हम करेंगे तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा बड़ा ब्रश लिया मेरे पास है, नहीं तो आप उसी ब्रश से भी कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा। ये यहाँ तक थोड़ा फिनिशिंग करते हुए आपको लाइन बनानी है। ये हो गया, अब हमें पीछे का लेना है। तो पीछे के जो बैकग्राउंड है उसके अंदर थोड़ा सा येलो होकर ज़्यादा बढ़ाएंगे हम, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे का एरिया है, तो थोड़ा सा उसमें शेडो स्वाभाविक तरीके से आएगा। तो ये स्ट्रोक्स आप लगाओगे, जितना बड़ा ब्रश होगा उतना बढ़िया आपका बैकग्राउंड बनेगा, क्विकली बनेगा। ये अब हम थोड़ा सा साइड में स्ट्रोक्स लगाएंगे। थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूँ बॉटल को, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा मेरे लिए भी। ये फिनिशिंग, या बारीक ब्रश से भी कर सकते हो, जो छोटा ब्रश आपके पास है उससे भी आप इसे कर सकते हो। मैंने थोड़ा बारीक ब्रश लिया, इस तरफ घुमा लिया। ओके, ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा ये वाला एरिया रहता है, ये वाला रहता है। अब हम थोड़ी सी शेडो जो है थोड़ी शेडो है इसके अंदर नीचे, वो हम करेंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा येलो आकर इसी कलर के अंदर मिक्स कर रहा हूँ जो बैकग्राउंड में दिया था, और ये वो शेडो का पोर्शन है जो थोड़ा मुझे दिख रहा है। तो इसे मैं थोड़ा सा सॉफ्ट शेडो है, सॉफ्ट शेडो है तो आप उसको ब्लेंड करोगे।
थोड़ा सा सूखा कपड़ा लेके ब्रश को साफ करके बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर दीजिए। दैट्स इट, वी ऑलमोस्ट डन। तो यू कैन सी द रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है एंड बहुत सही लग रहा है ये, राइट? थैंक यू।